In this video, we are going to learn how can we create this next level glass prism effect in our After Effects. तो आज का ये इफेक्ट वन ऑफ द इजीस्ट इफेक्ट होने वाला है जिसको आप इजीली अपनी मॉन्टाज वीडियोस में यूज कर सकते हो। जस्ट आपको कुछ बेसिक से सेटिंग्स को फॉलो करना है और बेस्ट थिंग ये है कि इसके लिए हम किसी भी थर्ड पार्टी प्लगइन का यूज नहीं करने वाले हैं। सो ये यहाँ पर मेरी कंपोजिशन है जिसमें मैंने मेरी दोनों क्लिप्स को इम्पोर्ट करके रखा हुआ है। ये फर्स्ट वाली जो मम्मी वाली क्लिप है एंड देन ये सेकेंड वाली ये लड़की वाली क्लिप है। तो इसके ऊपर जो आपके ये लेयर्स दिख रही हैं इनसे लेना देना नहीं है, ये जस्ट फॉग और ये जो मिस्ट है थोड़ा सा है वही है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ अराउंड इस पॉइंट से कंसेप्ट ये है कि ये मम्मी एक्सप्लोड होगा देन ये मेरी ये लड़की का फेस दिखेगा। तो मैं चाहता हूँ इस पॉइंट से मेरा ये एक्सप्लोजन स्टार्ट होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस लेयर की एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूँगा और कंट्रोल सिर्फ डी प्रेस करके स्टार्टिंग का पार्ट में डिलीट कर दूँगा। तो अभी के लिए इसकी ड्यूरेशन केवल इतनी है, तो इसको एक्सटेंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूँगा और लास्ट फ्रेम को मैं फ्रीज कर दूँगा। तो राइट क्लिक करके टाइम पे जाके और फ्रीज फ्रेम, तो ये बहुत ज़्यादा लंबी एकदम लास्ट तक मेरी क्लिप निकल कर आ जाएगी। और इसको मैं स्प्लिट करके या इसका साइज को कम करके इस ये जो छोटी वाली क्लिप है इसके एकदम लास्ट में पेस्ट कर दूंगा और इन दोनों ही क्लिप को मैं राइट क्लिक करके प्री कंपोज कर दूंगा। तो ये मेरी इतनी लंबी क्लिप निकल कर आ जाएगी। उसके बाद में मैं इसको सबसे टॉप पर प्लेस कर देता हूँ और कुछ इस तरह से यहाँ पर, तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। ये देखिए यहाँ पर आकर ये मेरी क्लिप स्टॉप हो गई। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर फर्स्ट इफेक्ट अप्लाई करूँगा जो कि है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं सेटर। तो मैं सर्च कर लेता हूँ ये रहा सेटर, इसको हमें सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये व्यू पे जाके हमें रेंडर्ड कर देना है तो हमें दिखने लगेगा ये कुछ कैसा एक्सप्लोजन हो रहा है। देन में शेप पे जाना है, ब्रिक्स पे जाके इसको हमें ग्लास कर देना है। आप जिसका भी चाहो यूज़ कर सकते हो, पर ये ब्रोकन ग्लास है तो मैं ग्लास का यूज़ करूँगा। तो ग्लास कर देना है, ये कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। जो एक्सट्रूजन डेप्थ है इसको मैं 0.1 कर देता हूँ, इसकी जो डेप्थ है कितनी ग्लास की डेप्थ रहने वाली है वो है 0.1 कर देता हूँ। देन फोर्स 1 पे जाता हूँ और स्ट्रेंथ को 1 कर देता हूँ, ये कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। ये देखिए, तो अभी के लिए मेरा ग्लास ये जो इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है तो ये ग्लास मेरा नीचे लाइक ग्राउंड पर फॉल हो रहा है, तो वो ना हो उसके लिए मैं फिजिक्स पे जाऊँगा और इसकी ग्रेविटी को 0 कर दूँगा, तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। ये देखिए, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इतना इफेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद में एक काम मैं और करूँगा, इसके सिंपली एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूँगा कंट्रोल डी प्रेस करके, या कंट्रोल डी डुप्लीकेट लेयर भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ या फिर इस ऊपर वाली लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपली इसको प्री कंपोज कर देता हूँ राइट क्लिक करके, ओके कर देता हूँ और इसके ऊपर ही सैटर इफेक्ट फिर से अप्लाई कर देता हूँ। देन फिर से वही सारी सेटिंग्स हमें फॉलो करनी है, रेंडर्ड रखना है और शेप पे जाके हमें ग्लास कर देना है। इस बार जस्ट हमें रिपीटेशंस को 8 कर देना है। देन डेप्थ को हमें 0.1 ही रखना है और फोर्स 1 पे जाके इस पॉइंट पे मैं दो की फ्रेम्स क्रिएट करूँगा रेडियस और स्ट्रेंथ का, और यहाँ पर इसकी रेडियस को मैं 1 कर देता हूँ और स्ट्रेंथ भी 1 कर देता हूँ। देन स्टार्टिंग में आऊँगा और रेडियस को कर देता हूँ 0.40 और कुछ फ्रेम्स आगे जाके स्ट्रेंथ को मैं कर देता हूँ 0.60। देन फिजिक्स पे जाके फिर से हमें वही काम करना है, ग्रेविटी को हमें 0 रखना है, तो भी ये इफेक्ट हमारा कुछ ऐसा निकल कर आएगा। ये देखिए, तो इजीली आप इस इफेक्ट को यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर ये कंसेप्ट रखा था कि मम्मी एक्सप्लोड होगा देन ये लड़की का फेस रिवील होगा। आप चाहो तो किसी भी स्नाइपर शॉट के ऊपर इस इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो, लाइक स्नाइपर शॉट आने के बाद में ये आपका ग्लास एक्सप्लोड होगा, देन दूसरी क्लिप हमारी आगे से कंटिन्यू रहेगी। और इस इतना काम जैसे ही हो जाता है आप एक काम कर सकते हो, ये जो ग्लास वाली लेयर है इसके ऊपर चाहो तो आप साइन इफेक्ट का अप्लाई कर सकते हो, जो कि रेज वाला इफेक्ट है जिसका मैंने यूज़ करा था। तो सिंपली साइन सर्च करके आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि ये ग्लास एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ये सारी लेयर्स को कंट्रोल ए प्रेस करके राइट क्लिक करके आपको प्री कंपोज कर देना है, ओके कर देना है और जिस पॉइंट से आपका एक्सप्लोजन स्टार्ट हो रहा है लाइक इस पॉइंट से तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से ट्विक्स्टर अप्लाई कर लेना है, ट्विक्स्टर सर्च करना है एंड ये रहा ट्विक्स्टर प्रो, तो इसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और स्पीड पे हम एक थोड़ा सा की फ्रेम ऐड करना है, थोड़ा सा आगे आके 100 स्पीड रखकर एक और की फ्रेम ऐड करना है और थोड़ा सा आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड करना है। उसके बाद में जहाँ से ये जो एक्सप्लोजन स्टार्ट हुआ है वहाँ पर इसकी स्पीड को आप ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, लाइक 350 कर सकते हो, तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। ये देखिए, एकदम फास्ट एक्सप्लोड होगा और इसको यहाँ पर आकर कुछ इस तरह से, ये देखिए ये कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। ये देखिए, तो इस तरह से आप इस इफेक्ट को इजीली अपनी क्लिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हो।